subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hi, we have with us a special guest, the seemingly Prime Minister of India. To know how we got an interview with him, let's find out. Sir, आपका स्वागत है The Print पे. Thanks. आप बिल्कुल मोदी जैसे दिखते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जो है, ये कैसे हुआ? नहीं, मैं मोदी जैसा दिखता नहीं हूँ. मेरा नाम लालजी देवरिया, मैं गांधीधाम कच्छ का रहने वाला हूँ. अच्छा. मुझे भी मालूम बाद में पड़ा, हम एक दफ़ा सब फ्रेंड सर्कल के साथ गांधीनगर विधानसभा देखने गए थे. हाँ. तो वहाँ पास भी लिया, तब अंदर एंट्री करने के टाइम जो एंट्री ले पास देखने वाला था वो सैल्यूट करने लगा. हाँ. और पास भी हमारा नहीं देखा, तो हमने सोचा कोई नई सिस्टम चालू हो गई है आजकल के, पास का कोई देखता नहीं है, तो हम तो चले आए. फिर गांधीधाम म्यूनसिपालिटी में जनरल बोर्ड की मीटिंग थी, तब तो वहाँ मैं वासन भाई के साथ बैठा हुआ था, तो एक काउंसलर लेडी ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया. तो मैंने वासन भाई को बोला कि भाई साहब वो आपको नमस्कार करती है जरा उसको. तो वासन भाई ने तब मुझे बताया कि मुझे नहीं, वो आपको नमस्कार कर रही है, हमारा प्रचारक है एक नरेंद्र भाई मोदी, बिल्कुल आपकी शक्ल उससे मिलती है. तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी शक्ल का कोई प्रचारक है. तब मोदी साहब सीएम नहीं थे, पार्टी में प्रचारक थे. और ये कब हुआ था और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? ये 2000 पहले की बात है. अच्छा. तब मैं कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर था. तब की बात, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी मेरी हम शक्ल है. अच्छा, आप कांग्रेस के साथ थे उस वक्त? मैं कांग्रेस में 15 साल की उम्र से जुड़ा हुआ था. 60 साल की उम्र तक कांग्रेस में था, 45 ईयर्स तक. अच्छा. और ये शक्ल की वजह से कांग्रेस वालों ने मुझे निकाल दिया. एक दफ़ा राहुल गांधी यहाँ रिवर फ्रंट पर आए थे, उसकी रैली में मैं गया था. हाँ. तो पूरे मीडिया के लोग मेरा इंटरव्यू लेने लगे. तब भरत सिंह प्रदेश का प्रेसिडेंट थे, तो उसने मुझे बुलाया कि आपकी वजह से ये पूरा सब प्रोग्राम ऐसा हो गया, आप अंदर कैसे आए? मैं बोला मेरे पास तो पास है नहीं, मुझे तो कोई रोकता नहीं है. हाँ. मैं तो आया तो वो गेट वाले ने मुझे जाने दिया. तो फिर दूसरे दिन सब प्रिंट मीडिया ने फ्रंट पेज पे मेरा फोटो दिया और लिखा ऊपर कि राहुल की सभा में मोदी. तब भरत भाई ने बुलाया और मुझे बोला ये दाढ़ी निकाल दो, ये कपड़े ऐसे मत पहनो. मैंने बोला मैं तो पहले से ऐसे कपड़े पहनता हूँ, कॉलेज काल से मेरी दाढ़ी ऐसी है, आप मेरे कॉलेज के फोटो भी देख सकते हो, ये मोदी अभी आया है. तो बोला नहीं आप निकाल दो, यहाँ कांग्रेस में मत रहो. मैं बोला नहीं आपकी मर्जी, आप मुझे मत बुलाओ. फिर उन लोगों ने मुझे कांग्रेस से निकाल दिया और बुलाया भी नहीं. तब 1.5 साल तक मैं घर पर बैठा था. फिर बीजेपी वाले ने आए, बोले साहब अभी तो हमारे साथ जुड़ जाओ. फिर राजस्थान में इलेक्शन हुआ असेंबली का, तब उन लोग वहाँ का कमलम से फ़ोन आया कि आप राजस्थान में जाओ, वहाँ बीजेपी ज्वाइंट करो. तब मैं पाली में गया और अमित शाह तब प्रेसिडेंट थे नेशनल, तब उसने उसके हाथों से मैंने बीजेपी का खेस पहना और बीजेपी ज्वाइंट की. तब वहाँ कोई ऐसी सभा नहीं थी कि जिस सभा में मोदी लोगों को नहीं चाहिए. सब बोले उम्मीदवार नहीं आएगा ज्ञानचंद भाई पारेख, लेकिन हमको मोदी को तो सुनना है. तब मुझे वहाँ आज तब से करके आज तक मैं राजस्थान, महाराष्ट्र, पाटन, दिल्ली सब ठिकाने जाहिर सभा में बोला हूँ. 700 से ज़्यादा मेरी जाहिर सभा हो गई है और आज तक एक भी ऐसी जाहिर सभा नहीं है कि मेरे बोलने पे पार्टी में मीडिया के लोग को या पब्लिक के लोग को किसी को भी ऐतराज़ हुआ हो कि कहीं कोई ऐतराज लिया हो. ये मेरे में गॉड की मेरे पे बड़ी कृपा है. तो लोग आपको मोदी समझते हैं? आप समझते हैं. कई दफे ऐसे ऐसे वहाँ के होते हैं, आप सुनोगे तो आप भी सोचने लगोगे. मेरी फिल्म का प्रीमियम था बॉम्बे में घाटकोपर में, तब मैं चेंबूर में रहता गया था मेरी बहन के घर. ये फिल्म एग्जैक्टली क्या था? वो फिल्म नमो सौने गमो गुजराती में बनी थी, तब मोदी साहब सीएम थे और वो फिल्म का मैसेज इतना ही था कि मोदी सबका है, मोदी किसका भेदभाव नहीं करता है, क्या है कि कोई भी कौम का हो, और आतंकवादी कोई भी कौम में हो सकते हैं, आतंकवादियों को मोदी छोड़ने वाला नहीं है. उस फिल्म का यही मैसेज था कि मोदी सबका है. और तब मैं जा रहा था तो तब मुझे वहाँ टैक्सी नहीं मिलती थी, तो वो मेरे बहन और जीजाजी ने बोले कि थोड़े आगे चलेंगे पैंडल, तो वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे क्योंकि आपका प्रीमियम शो और आप रिक्शा में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा. तो हम जा रहे थे, तो जाते जाते एक ओल्ड लेडीज क्रिश्चियन थी दौड़ दौड़ के मेरे पाँव में गिर गई. मैं बोला क्या हुआ इसको? मैं बोला क्या? वो बोली मैं रोज चर्च में जाता हूँ कितने सालों से,
और वहाँ गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि मोदी का मुझे दर्शन हो जाए। गॉड ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आज आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप मोदी हो तो मैं उस लेडीज को मना नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आस्था में तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बोला हाँ मैं मोदी हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन थोड़ा दुख तो हुआ। लेकिन उसकी लेडीज की जो आस्था थी ना, वो बड़ी बात थी। तो उसने बोला मेरा हस्बैंड सामने बैठा है, मैं उसे बुलाऊं, आप उससे बात करोगे? मैं बोला ठीक है बुला लो। उसका हस्बैंड आया, उसने बोला आर यू श्योर मिस्टर मोदी? तो मैंने उसे मना किया कि नहीं मैं मोदी नहीं हूँ। तब मैं देखा कि देखो तो सही, लोग गॉड के पास भी प्रार्थना करते हैं दर्शन के लिए। फिर दूसरे दिन मेरा रिलेक्शन वाला टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं उसको बुलाने गया तो बाहर डॉक्टर साहब खड़े थे। मैं उसको डॉक्टर को बोला कि भाई इसके क्या कंडीशन है? तो डॉक्टर ने बोला ये 2-4 दिन का मेहमान है, इसकी अब कंडीशन बहुत बिगड़ गई है। तो मैं उस मंदिर के पास गया तो वो मुझे देख के बोलता है बस अब मोदी PM बन जाए ना तो मेरी तो लाइफ सुधर जाए। मैं सोचा कि जो बंदा चंद दिनों का मेहमान है उसमें भी इस बंदे ने कितनी आशाएं संचार कर दी है, ये कितनी उम्मीद आदमी में उभी खड़े कर दी है कि एक बंदा मेरे लिए उसके आने से PM बनने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं एक दफ़ा बाजार से निकला था तो एक लड़की बुरखे पहने हुई थी, कॉलेज जा रही थी, वो रुक गई, मुझे बोलती है साहब एक सेल्फी हो जाए। तो मैं बोला आप तो मुसलमान हो? बोलती है नहीं नहीं मेरा हीरो भी मोदी है, ऐसा नहीं है कि हम मोदी के दुश्मन हैं। उसने बुरखा निकाल के मेरी सेल्फी ली, तब मुझे लगा कि मेरा जीवन तो सफल हो गया। आप नहीं मानोगे मैं गोवा गया था, तो गोवा कैसिनो में गए थे, मैं और मेरे साथ 3 दोस्त थे। तो कैसिनो वाला 2,500 एंट्री फी थी, तो वो बोला साहब आपको जाना हो तो फ्री, लेकिन इन लोग आपके साथ है उनका 2,500 की टिकट लेनी पड़ेगी। मैं बोला मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं कैसिनो में यार, इनको आने दो। बोला इनको नहीं, तो बोला हमको नहीं देखना, हम नहीं देखे। फिर वो बोटिंग वो चलती है दरिया में जो बड़ी सी पे, उसमें हम बैठ गए। तो वहाँ सब अपनी अपनी जो है खासियत बता रहे थे, कोई गीत गाता था, कोई ड्राइवर एक्टिंग करता है, कोई डांस करता है। तो सब ने ऑडियंस ने बोला नहीं आप मोदी जैसे दिखते हो तो मोदी की स्पीच दो। मैंने मोदी की स्पीच दी तो स्पीच पूरी होते बोट में कितनी लेडीज थी, कम से कम 25 से ज़्यादा लेडीज एक साथ दौड़ के मुझे पकड़ लिया और सब ने ऐसे गले लगाने लगी। तो मुझे टेंशन हो गया कि कहीं जेब में पैसे कोई निकाल न ले, तो मैं मेरी जेब को पकड़ के बैठ गया कस के ये कहीं निकाल न दे। ऐसे कितने होते हैं, लेकिन आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा एक भी बनाव नहीं बना है कि मोदी की वजह से मुझे कुछ सहन करना पड़ता हो, कि मुझे गलत कोई फीलिंग हुई हो, कि ये मोदी की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और सब जहाँ जाता हूँ तब सब लोग मुझे इज्जत देते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और आपने कभी मोदी से मिला है? हाँ, मोदी से मैं जब कांग्रेस में था 2002 में अर्थक्वेक हुआ था, तब मोदी जहाँ स्वामीनारायण मंदिर के फाउंडेशन के लिए भुज आए थे, तब सर्किट हाउस में मिले और मुझे देख के बोले हो आप तो मेरे जैसे लगते हो। तो मैंने मोदी को बोला नहीं साहब आप मेरे जैसे लगते हो। वो बोला ऐसे क्यों? मैं बोला मेरा गांव है, आप मेरे गांव में मेरे जैसे कैसे लगते हो? आप गांधीनगर में बोल सकते हो मेरे जैसे लगते हो, आप यहाँ तो मेरे जैसे लगते हो। तो उसको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि ये मेरे सामने। फिर बोला क्या काम है? मैं आवेदन पत्र देने आया है। तब मैं कांग्रेस के मित्रों के साथ आवेदन पत्र उसको दिया, वो दे ले लिया, फिर हम चले गए। तो आपका परिवार है, आपका परिवार को कभी तंग लगता है कि? हाँ, मेरी वाइफ को सब जसोदा ही बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं शादी की पार्टियों में कहीं भी तो कि जसोदा कहाँ है, लोग ऐसे बोलते हैं। उसका नाम भारती है, लेकिन हम सब भारती है, लेकिन उसको सब जसोदा ही बोलते हैं। और मेरे घर वाले भी अभी कम मेरा कोई एड्रेस आया पूछने आएगा, कोई मेहमान आएगा तो बोलेंगे कि अभी लालजी भाई का घर का है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन बोलेंगे कि मोदी का घर कौन सा है, तो पूरे गांधीधाम में फेमस हूँ, पूरे गांधीधाम के लोग बताएंगे, रिक्शा वाले सब मुझे मेरा घर मालूम है सबको। नहीं, आप थोड़ा दिखा सकते हैं हमारा ऑडियंस के लिए कि आप स्पीच कैसे दे? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, वो मेरा ही स्टाइल है। मैंने आज तक मोदी को कभी सुना भी नहीं है, वो मेरा स्टाइल है। और लोग कहते हैं कि जो आपकी स्टाइल है वो बराबर है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, चाहे आए लाख तूफान मैं देश की नैया पार लगाऊंगा। मकसद नहीं है मेरा
के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए। अभिलाषा है सिर्फ मेरी इतनी कि मेरे देश का नया इतिहास बने, मेरे देश का नया इतिहास बने। भाइयों बहनों, मैं वचन देता हूं भारत माता को कि इसका शीश कभी ना झुकने दूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश अजय अमर रहना चाहिए। कभी ना आए चांद तारे मेरे तिरंगे में, मेरा तिरंगा आसमान में चांद तारों के बीच लहरा है, मेरा तिरंगा आसमान में चांद तारों के बीच लहरा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज लॉग ऑन टू द प्रिंट एंड सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया चैनल्स।